सिवान सर से टीम के टीम कैप्टन भाई कमेटी ये चाहती है कि त्योहार का समय है और आजाद आप अपनों को छोड़कर हमारे बीच उपस्थित हुए थे तो आप अपना पुरस्कार कमेटी से प्राप्त कर सकते हैं। सिवान सर से बहुत सारे खुशखबरियां आई है, भरोसा है हमारे पिंडरा बेड़ा है। इस मैच के बाद आपके बीच हम लोग जरूर चलेंगे। फिलहाल अजीत जी पुनः एक बार आपका स्वागत है। लाल और नीला यह है जरा एफसी, पूरी तरह से लाल यह है जीत स्पॉर्टिंग और इस बार राकेश गेंद के साथ आगे बढ़ती है। काफी नाम कमा है इस खिलाड़ी ने, खासकर कोल्हान से उठकर रांची हो या फिर ओडिशा हो, काफी अच्छा नाम रहा है राकेश गोप का। और इस समय आज उनकी टीम जब सेमीफाइनल की मैच खेल रही थी, हमें भी ये फक्र होता है कि प्लेयर अपने दम पर अपनी टीम को आगे लेकर आती है। फिलहाल बहुत ही सुंदर फुटबॉल का मजा आ रहा है, ये फुटबॉल होना चाहिए इस बार बेहतरीन मौका। हालांकि की गति के साथ ले पाने में असफल रहे। आप सबों के बीच में ये पहला सेमीफाइनल फर्स्ट सेमीफाइनल उसी टू टीम से जीते, आप 500 रुपए का पुरस्कार रखें, बहुत बहुत शुक्रिया। जो भी पहला गोल करेंगे चाहे जीत स्पोर्टिंग की ओर से आए या फिर अंजना एफसी की ओर से आए, पहला गोल जो करेंगे एडवर्ड सिंह मुंडा की ओर से 500 रुपए की नगद देना हुए राशि सबको आ जाएगा। फिलहाल जीत स्पोर्टिंग बहुत ही सुंदर तालमेल का हो जा रहा है, मौका बनेगा सुंदर तालमेल, बेहतरीन मौका हो सकता है, इसकी कोई सकता नहीं है। सेकेंड सेमीफाइनल आप दो दिग्गज स्ट्रॉन्ग टीमों के बीच में गड़ाकुट्टी एफसी एंड काशी डीएफसी आप तैयार रहेंगे। गड़ाकुट्टी एफसी और काशी डीएफसी तैयार रहेंगे मैच की समाप्ति के बाद आपका सेकंड सेमीफाइनल मैदान के बीच होगी। बहुत ही सुंदर, हालांकि जीत की मैं और इस बार मौका बनेगा कटकर आगे जाने के क्रम में, हालांकि जीत के दो दो डिफेंडर आमने सामने, गति के साथ आगे बढ़ने का मौका, किक भी आई बहुत ज्यादा लाभ नहीं ले पाएंगे, मैं बेहतर प्रदर्शन करें। फिलहाल दो दलों के बीच क्या संघर्ष में मैच चल रही है, बेहतरीन मुकाबलाओं में से एक मुकाबला जीत स्पोर्टिंग अपने नाम ही रखे ये जीत, क्या जीत पाएगी वो टीम या अंजना के नाम से अंकित करी गई अंजना फुटबॉल क्लब की टीम। काफी संख्या में हमारे बीच तमाम दर्शक जुड़ चुके हैं, क्षेत्र की क्षेत्रीय और काफी दूर दराज से आए, अपने घर परिवार का साथ छोड़कर, अपने बीवी बच्चों का साथ छोड़कर, बूढ़े माँ बाप का साथ छोड़कर आज विश्वकर्मा स्टेडियम के इस धरती पर अपने आप को उपस्थित कराए हैं। ये बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है हमारे इस विश्वा क्लब स्टेडियम के लिए। और दर्शक बगीचे के उस फूल की तरह होते हैं जिनके आने से उनकी जो महक सुगंध और ताजगी बगीचे को हमेशा महकाती है। बिल्कुल, मैं आपके शब्दों को और दो लाइन में और जोड़ना चाहूंगा, आप कितने बड़े टूर्नामेंट आयोजन करते हैं लेकिन इस समय बात से पहले मैं गोलकीपर के पास जाना चाहूंगा, क्या ही बचाओ, एक हाथ से बचाने का प्रयास किया करते, अपनी मजबूती दिखाई है, तारीफ करना चाहिए। जीत के बात करूंगा, बॉलीवुड की बहुत अच्छी फिल्म आई जिस सन्नी देओल की, क्या सुपर डुपर हिट रही थी। वैसे मैंने आपने थापा का जिक्र किया, बता दो कि नेपाल की जो भी हमारे गोरखा रेजिमेंट होते हैं उनके जो भी सेना होते हैं या फिर गोरखा नेपाल से जो भी एकत्र आते हैं उनको हम लोग थापा के नाम से जानते हैं। जनरली मैं मंच के जब आए और जो भी दर्शक खड़े हैं कृपया बैठ जाए थोड़ा सा, क्योंकि दिखाई नहीं पड़ रही, आधा से ज्यादा ग्राउंड ब्लॉक हो चुका है। फिर से एक बार मौका बनेगा
और इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ये चलेगी लाइन पर फिलहाल अंजना आरसी अच्छी तालमेल मोमेंटम की दरकार और एक मोमेंटम के लिए अच्छी पासेस की दरकार होती है और अच्छे पास के लिए दो खिलाड़ियों के बीच सही मिश्रण की को काफी जल्द डिस्पोजेस किए अंजना एफसी। शिवांश एफसी टीम के टीम मैनेजर या टीम के कैप्टन आप जल्द से जल्द आगे कमेटी में संपर्क करेंगे। शिवांश एफसी टीम के टीम कैप्टन या टीम के मैनेजर आप जल्द से जल्द कमेटी मंच में आएंगे। में अपनी विजय यात्रा पर निकल चुकी है लालकृति और ढूंढने की कोशिश अपने टीममेट्स के और अभी अभी हमारे बीच संजय स्पोर्ट्स प्लीज बैठ जाओ बाबू आप लोग आगे जो भी दर्शक है कृपया थोड़ा सा बैठ जाइए। यहां से कुछ भी स्पष्ट नहीं दिख रहा है। आई हुई है तो क्वार्टर फाइनल हारी हुई टीम है उनको 10,000 रुपए की नगद जो भी दर्शक प्रेमी इस रेस का आनंद ले रहे हैं कृपया आखिरी समय कह रहा हूं औरों से नहीं कृपया थोड़ी सी दूरी बना ले या बैठ कर इस रेस का आनंद ले। रघु दूरी चली गई और टच लाइन और गोल लाइन के करीब बहुत सारे दर्शक आ चुके हैं। भाई थोड़ी सी दूरियां बना ले कम से कम 5 गज की दूरियां बना ले। ये 5 गज की दूरी आपके सेफ्टी के लिए बेहद जरूरी। जहां इस प्रकार की हम एक्सपेक्ट करते हैं कमेटी परिवार की ओर से लेकिन आप बेहद करीब से मैच को देखोगे तो कहीं ना कहीं चोटिल भी हो पाओगे। फिलहाल तो कोशिश हालांकि वर्तमान में सेकंड हाफ का खेल आप सबों के सामने दोनों टीम बराबरी पर और जिस तरह से लग रहा है कि दोनों टीम पेनल्टी का और धीरे धीरे क्योंकि दोनों ही टीमों को मौके अभी तक ऐसा नहीं लगा कि बहुत नजदीकी मामले रहे हो काफी डिफेंसिव मोड में नजर आती है एक टीम कासेडी एफसी की टीम धीरे धीरे चल मिले और आपको देखने का मौका भी मिल जाए और इस बार इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। Thank you.